अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सर दाऊद साहब फॉर जॉइनिंग अस, फॉर गिविंग अस अ टाइम. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक विद थ्री शाइनिंग स्टार ऑफ CFE एंड आल्सो विद दियर रिलीजन टीचर सर दाऊद शाहिद साहब. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस सेशन सर दाऊद शाहिद साहब एंड आल्सो टू द मेरिट होल्डर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. Sir, please, so we are going to start our conversation with brief introduction of Sir Dawood Shahid Saab. Sir, please. Assalamu alaikum. My name is Dawood Shahid. I am a CA affiliate. CPA kiya hua hai, maine MBA kiya hua hai, MPhil hai. और बाकी भी क्या कहते हैं रिलेटेड क्वालिफिकेशंस हैं. मैं CA फील्ड को तकरीबन पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2008 से लेके 2021 तक पढ़ा रहा हूँ. और मेरा जो मेजर स्पेशलाइजेशन है जो कोर्स में है वो है क्वांटिटेटिव मेथड्स और अकाउंटिंग की जो जितनी भी स्ट्रीम में पेपर आते हैं वो सारे के सारे. तो इस सारी के सारी जद्दोजहद में CA का सबसे बड़ा रोल है. मैं समझता हूँ कि मुझे CA ने जो चीज़ें सिखाई वही चीज़ें मैं सबसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ और वही चीज़ें मैं सबसे बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ. तो अल्लाह का करम है मेरे ऊपर कि मैंने उसमें ही सबसे ज़्यादा मेहनत की है और उसका मुझे अल्लाह ताला फल दे रहा है. थैंक यू. थैंक यू सर. तो अब हम अपने ब्राइट स्टूडेंट्स की तरफ आएंगे, उनसे हम कुछ सिंपल सी क्वेश्चंस करेंगे जो स्टूडेंट्स की तरफ से, बाकी टीचर्स की तरफ से, हमारी कॉलेज की तरफ से, बाकी काफ़ी जो सब काफ़ी सारे CA के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से. तो हमारा सवाल पहला आएगा. तो आपको सबसे पहले कैसा लगा जब आपको पहली कॉल आई है कि आपकी AFC के रिज़ल्ट में QM में आपका मेरिट आया है, आप हम सबसे शेयर करें. सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक टू अल्लाह अलमाइटी. जब मैंने लिस्ट देखी तो एकदम से मतलब इमेजिनरी वर्ड बन गई कि ऐसा भी हो सकता है, अल्लाह ताला ने मुझे ये इनाम दिया है मेरी मेहनत का, अल्हम्दुलिल्लाह. तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू. अब मेरा सवाल है भाई से कि जब आपने सुना कि आप ही के सेक्शन में, आप ही के क्लास में 3 बच्चों ने मेरिट लिया है जबकि ओवरऑल पाकिस्तान में 4 मेरिट सर्टिफिकेट्स आए हैं जिसमें से सिर्फ एक टीचर के, एक सेक्शन के अंदर, एक कॉलेज के अंदर आपकी, आप 3 क्लास फेलोज़ के मेरिट्स आए हैं, कैसा लगा आपको ये मोमेंट? जी अस्सलाम वालेकुम. जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम हुआ है. और जब मुझे पता चला कि सबसे पहले अपने मेरिट सर्टिफिकेट का, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई. फिर उसके बाद जब मुझे अपने दोस्तों का, बाकी जितने भी क्लास के थे, तो उसके जब मैंने सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई. उसकी वजह ये थी कि हमारे सर जो सर दाऊद शाहिद हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से कि सर इतने अच्छे लेवल पर जाके इन्होंने हमारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं कि कोई भी पेपर हो ICAP का तो हमारे लिए बहुत ईजी था. जब हम अटैम्प्ट करने जा रहे थे तो हमें बहुत ईजी लगा है पेपर. और ये सर का ही जितना भी है, सर ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया है कि हमारे लिए पेपर बहुत ईजी था. और इस सब का जो क्रेडिट जाता है वो सर को जाता है. और हमें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मेरे साथ अजीम भाई हैं या मेरे दोस्त ही हैं, हम लोगों ने साथ ही सारी तैयारी की हुई थी, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई. और मैं तो इस चीज़ का क्रेडिट दूँगा अपने सर को. और इसके अलावा मेरे वालदैन की दुआएँ थी और उसके साथ साथ मैं अपने वालिद साहब को ये डेडिकेट करूँगा. और काफ़ी खुशी हुई कि मुझे मेरिट सर्टिफिकेट मिला और बाकी भी जो दो स्टूडेंट थे मेरी क्लास के और उन्हें भी मेरिट सर्टिफिकेट मिला. थैंक यू सो मच. अब हमारी फीमेल ब्राइटर स्टूडेंट, उनसे हम जूनियर्स का एक क्वेश्चन पूछेंगे जो जूनियर्स की तरफ से आ रहा है कि आपकी स्टडी का रूटीन क्या था? अस्सलाम वालेकुम. स्टडी का रूटीन जो टीचर रोज़ पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करते जाएं, जैसे जैसे टीचर्स बता रहे हैं रोज़ का काम रोज़ करते जाएं और वीकेंड पे उनको रिवाइज़ करते जाएं जो सारा वीक में पढ़ा होता है. और जो सीनियर स्टूडेंट से कहते हैं ये मुश्किल है, वो नहीं, बस रोज़ का काम रोज़ करते जाएं और टीचर को फॉलो करते जाएं, तो ये बहुत आसान है. लोग CA में सिर्फ पास होने के लिए आते हैं. जब आपको पता चला कि आपने मेरिट लिया है तो आपको वो मोमेंट कैसा लगा? कैसा लगा आपको जब आपको कॉल आई है कि आपने मेरिट सर्टिफिकेट लिया है? उस मोमेंट का मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो बहुत बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का. और जब मुझे कॉल आई कि मेरा मेरिट सर्टिफिकेट आया, मैं पहले सरप्राइज हुई, फिर एक्साइटेड हुई.
और ये सारा क्रेडिट जाता है सर दाऊद को और मेरे पेरेंट्स जिनकी दुआओं की वजह से ये आया। अब मैं फिर भाई की तरफ आऊँगा। स्टूडेंट्स ये भी सुनना चाहेंगे कि अब आपने आगे जाके जो आपके साथ एएफसी में स्टूडेंट थे जो पास हुए हैं आपके साथ ही, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप अभी केएफ में क्या करोगे आगे, केएफ में आपका आपकी प्लानिंग क्या है, किसको फॉलो करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से क्लासेस लेनी है। अभी फ़िलहाल तो घर से ही कर रहे थे ऑनलाइन तैयारी, तो आगे केएफ में काफ़ी कम टाइम रह गया सितंबर अटैम्प्ट के लिए, तो उसमें इंशाल्लाह अकाउंटिंग में और इकोनॉमिक्स में सर दाऊद और हमारे सीएफई के ही सर मुबशिर वसीम हैं उनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, तो फुल मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। मैं फिर भाई से सवाल पूछूंगा कि लोग कहते हैं रूमर्स पहले हुए हैं कि सीए में इतनी स्टडी चाहिए होती है, कोई सीए नहीं कर सकता, इसमें रिजल्ट्स बहुत लो है, फेलिंग रेशो बहुत ज़्यादा है। आपने कैसे मैनेज किया पहले एएफसी को पास करना और फिर उसके बाद उसमें मेरिट लेना, आपने ये सब कैसे मैनेज किया? जी एक्चुअली पहली बात तो ये है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, और अभी एएफसी तो बेसिक लेवल है सीए का और ये काफ़ी इजी लेवल होता है, पर इसमें भी काफ़ी हार्ड वर्क चाहिए होती है, जैसे कि हम लोगों ने की काफ़ी मेहनत की, और कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, सिर्फ आपने कंसिस्टेंट रहना होता है, ठीक है, और अपनी डेली टू डेली रूटीन हर सब्जेक्ट को लेके चलना होता है। अगर आप एक दिन भी अगर स्किप कर जाएंगे तो वो आपके लिए बर्डन बन जाता है, जिस तरह आप अगर अपने ऑफिस नहीं जाते एक दिन या दो दिन मिस करते, वो फाइल्स तो उसी हिसाब से ज़्यादा होती जा रही हैं, तो यही हिसाब है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है और अपने जो टीचर्स जो पढ़ाएं डेली टू डेली बेसिस उसे भी प्रिपेयर करना और साथ में रिवाइज भी करना है, और जितना हो सके टेस्ट को अटैम्प्ट करें, तो फिर कोई भी ऐसा पेपर नहीं है कि आप ना अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला भी जो मेहनत करते हैं तो उसका फल देते हैं, तो इसके मेरे लिए यही मशवरा है कि मेहनत करें और फेलियर से ना घबराएं, और अगर फेलियर होता भी है तो उसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें और फिर कम बैक करें और कामयाब हों। मिस अभी लास्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो आपसे है कि क्या आप जो बाकी जूनियर्स हैं उनको सी एफ ई कॉलेज आप रेफ़र करेंगे कि मतलब आप सी एफ ई कॉलेज से ए एफ सी कर लें? डेफ़िनेटली मैं उनको रेफ़र करूँगी कि वो सी एफ ई से करें, एक तो क्यू एम के बेस्ट टीचर दाऊद शाहिद जहाँ मौजूद हैं, और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के बेस्ट टीचर हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, टेस्ट सिस्टम सारा कुछ बहुत अच्छा है, ये सारा कुछ मिले तो फिर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, तो वो सी एफ ई में ज़रूर आए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने जिस तरह हमें प्राउड फील करवाया, जिस तरह आपकी वजह से सी एफ ई का नाम भी आगे गया है, सर दाऊद शाहिद भी, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वंस अगेन फॉर कंग्रेचुलेशन टू सर दाऊद शाहिद साहब एंड ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस अ प्रीशियस टाइम। तो सर अब आपकी तरफ आते कि जैसे आपने सुन लिया कि मतलब आपके तीन मतलब पूरे पाकिस्तान में टोटल आए चार मेरिट सर्टिफिकेट, उनमें से तीन आपके स्टूडेंट थे, तो आपको किस तरह फील हो रहा था उस टाइम पे? ये मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो मैंने हासिल की है। बेसिकली मैंने हासिल नहीं की, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर करम किया है, इन बच्चों की वजह से मेरा नाम भी जो है कोई क्या कहते हैं जाना जाता है, तो इन बच्चों की मेहनत है जी, अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी अता फरमाई है और मुझे उसके सदके जो है वो मेरा नाम जो है थोड़ा सा मार्केट में आया है, तो बाकी मेहनत मैंने की है, अल्लाह का शुक्र है। और सबसे ज़बरदस्त जो मुझे खुशी हुई है वो इस चीज़ की हुई है कि भाई मेरी मेहनत का कहीं पे कोई क्या कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे उसका रिवार्ड दिया है, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। बाकी बच्चों के क्या कहते हैं जी अप्रिसिएशन है जो वो कह रहे हैं कि मेरी वजह से आया, लेकिन यकीन माने मेहनत उन्होंने की है और उनकी मेहनत की वजह से ही आया, मेरा इसमें इतना ज़्यादा कोई कमाल नहीं है। सर जी आप अपने टीचिंग की मेथडोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टीचिंग मेथडोलॉजी में सबसे जो मैं फ़ील करता हूँ कि जो मसले मसाइल आते हैं उसमें यह है कि ये सीए का स्पेशलाइज्ड जो है कोर्स है, और इसमें वही बंदा सबसे बेहतरीन तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकता है, उनको एक्सप्लेन कर सकता है, उनकी प्रैक्टिस करवा सकता है, जो इस फील्ड के अंदर खुद रह चुका है, इस फील्ड में से जो गुजरा हुआ है उसी को सबसे बेहतरीन आइडिया इस चीज़ का। डेफिनेटली टीचर सारे मेहनती होते हैं, टीचर सारे के सारे एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में,
लेकिन सीए फील्ड को जो समझता है सबसे बेहतरीन तरीके से, वो वही हो सकता है जो सीए फील्ड के अंदर खुद रह चुका हो, सीए फील्ड के अंदर उसने खुद अपना टाइम इन्वेस्ट किया हो, उसने सीए को अच्छी तरह से डिटेल में प्रैक्टिस किया हो। तो बाकी सारे टीचर भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो लैक आ जाता है समटाइम किसी बच्चे की मेहनत में, वो सिर्फ इस वजह से आ जाता है कि वो जो टीचर उस बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं वो उस फील्ड से जो है रिलेटेड इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते जिसको वो अच्छी तरह से कवर कर सकें। मुझे जो एज मिला है इसमें यही है कि मैंने सीए को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, इसके पेपर पास किए हुए हैं, इसकी मैं डेप्थ को समझता हूँ, इसमें जो मसले मसाइल आते हैं, जो आई कैप की रिक्वायरमेंट होती है बच्चे से, जो लेवल ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड होता है आई कैप का, वो मैं उसको अच्छी तरह समझता हूँ क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में से गुजर चुका हूँ। मेरा खुद का एफ एस सी जो था वो प्री मेडिकल से था, मैं मेडिकल से हूँ और मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स को टीच कर रहा हूँ, तो मुझे खुद मैथमेटिक्स में जितने ज़्यादा प्रॉब्लम आए हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं समझ सकता हूँ। तो इसलिए मैं मेडिकल के बच्चों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ कि भाई आपने परेशान नहीं होना। इंजीनियरिंग वाले बच्चे माशाल्लाह वो पहले काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का ऑलरेडी नॉलेज होता है, उनके लिए इतना मसला नहीं होता। सबसे ज़्यादा बेचारे जो बच्चे परेशान होते हैं वो मेडिकल वाले होते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको शुरू में ले कर चलना, सपोर्ट करना, उनको थोड़ा सा गाइड करना कि यार आपने परेशान नहीं होना, शुरू में टेस्ट जो आपके होंगे उसमें मसले मसाइल आएंगे, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आपको सवाल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। वो एलियन अपने आप को फील करते हैं कि हम इस सीए कोर्स में फ़िट नहीं बैठ रहे क्योंकि हम मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, और सीए में अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले जो होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, मेडिकल वाले बच्चे चूँकि एफर्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो मेहनत ज़्यादा कर रहे होते हैं, उनको इस चीज़ का खौफ होता है कि यार हम कहीं जो है रह ना जाएंगे किसी वजह से, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं और सबसे बेहतरीन वो उनको परफॉर्म करके तैयार हैं। सर जी, जो आपके नोट्स है माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की किसी भी कोने पे आप चले जाए, किसी भी की एम के स्टूडेंट से पूछ ले कि मतलब आप किन के नोट्स यूज़ करते या किन के नोट्स को प्रेफर करते, तो वो आपका ही नाम लेते हैं, तो अपने नोट्स के बारे में आपकी क्या राय है? जी, नोट्स बेसिकली इस तरह से है कि आई कैप के जो क्या कहते हैं आई कैप लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उसको मैं थोड़ा सा सिनेरियो बेस बना के, उसमें थोड़ा सा ऑप्शंस डाल के, उसमें थोड़ा सा मज़ीद जो सिनेरियो पॉसिबल हो सकते हैं, एक क्वेश्चन को मैं पकड़ता हूँ, उसमें पॉसिबल जितने अल्टरनेटिव ऑप्शंस बन सकते हैं उसको मैं क्वेश्चन को ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, 4-5 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, उसको मैं हर एंगल से पूछ लेता हूँ कि अगर इस तरह से एंगल आ जाएगा, इस तरह से आई कैप की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए तो फिर क्या करेंगे, अगर ये फिगर चेंज हो जाए तो इस तरह से क्या करेंगे। तो वो उस क्वेश्चंस का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है अगर वो 10-15 क्वेश्चन कर ले उस चैप्टर के। क्या कहते हैं आप, बदकिस्मती से कह लें कि आई कैप के जो बुक्स हैं वो इस लिहाज से कम्प्लीट नहीं है जिस लिहाज से आई कैप की टेस्टिंग लेवल होती है। बुक्स बड़ी आसान है, आई कैप का टेस्टिंग लेवल जो है बड़ा एडवांस है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मैंने आई कैप के टेस्टिंग लेवल को बच्चों की नज़र में आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो कलेक्ट किए, उनको डेवलप किया, उनको ऑर्गेनाइज़ किया और उनकी क्लासिफिकेशन की ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। तो यही एक एफर्ट है मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू। सर, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, बस उसके दो पार्ट्स है। सबसे पहले तो काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं आपकी कामयाबी देखकर, आपकी सक्सेस देखकर, आपकी स्टूडेंट्स की ये अचीवमेंट्स देखकर, सारे लोग यही जानना चाहते हैं कि ये लास्ट असाइनमेंट क्या चीज़ है। और उसके बाद हमारा पार्ट सेकंड ये है कि जो आपने फास्ट ट्रैक किया हुआ है, 15 दिन का सेशन किया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए ऑल ओवर द पाकिस्तान, और उसमें 1200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, तो सर ये तो एक बहुत बिग अचीवमेंट है, तो लोग ये भी जानना चाहेंगे कि ये कैसे किया आपने। देखिए जी, कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मसले मसाइल आते हैं पढ़ाई के अंदर, और मुख्तलिफ़ किस्म के इलाकों में वो बच्चे रहते हैं, किसी को नेट का इशू है, किसी को कॉलेज का इशू है, किसी को जो जिस दूर दराज इलाके में वो रहता है वहाँ पे उस लेवल के टीचर नहीं उस बच्चे को मिल पाते, तो वो उसकी एजुकेशन का मसला है। तो वो अब आई कैप हो जाए या क्या कहते हैं कोई और भी इदारा हो जाए, वो इस चीज़ों को डिले नहीं करता। कोरोना के अंदर मौजूद होने के बावजूद भी आई कैप ने कभी किसी पेपर को डिले नहीं किया, तो बच्चों ने तो इस चीज़ को कोप करना है। मतलब ज़िंदगी में पहली दफ़ा बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि वो ऑनलाइन चीज़ें पढ़े, पहले कभी नहीं बच्चे ने इस तरह के इन्वायरमेंट को फ़ेस किया, तो इन सारे चैलेंजेस को बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ सामना करना था। तो मैंने बस ये कोशिश किया कि मैं भी बच्चे के साथ थोड़ा सा मिल के उसको सपोर्ट करूँ, तो मैंने उन बच्चों को उनके घर में, उनके लैपटॉप पर, उनके मोबाइल पर उनको सपोर्ट करने के लिए
ये फ्री रिवीजन सेशन जो थे लॉन्च किए, मैंने इस चीज़ से कि भाई बच्चा सीएफई का है या नहीं है, लाहौर से है या नहीं है, पंजाब से है या नहीं है, कराची से है, इस्लामाबाद से है, सखर से है, मुल्तान से है, जहाँ से भी मर्ज़ी है, अगर उसको किसी भी टॉपिक में किसी भी जगह पे किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो कोई मसला नहीं है, हम अवेलेबल हैं। हमारी कोशिश है कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे हो सकते हैं वो पाकिस्तान में जितने भी हैं जो सी एस रिलेटेड हैं वो पास होना चाहें, तो उनके लिए जो है वो एजुकेशन हमारी तरफ से फ्री है। हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमें बस उनकी दुआओं की ज़रूरत है, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि भाई वो बच्चे पास हो जाएं, हमें दुआएं दें, बस यही हमारी जो है आखिरत के लिए जो है एक कोशिश है थोड़ी सी। सर जी एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे कि मतलब क्यू एम में एएफसी लेवल पे क्यू एम में ही क्यों स्टूडेंट ज़्यादा फेल होते हैं? जी क्यू एम में जो स्टूडेंट की फेलियर रेशियो है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि क्यू एम के एंट्री टेस्ट लेवल पे मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, कोई मेडिकल से होता है, कोई बैचलर लेवल से आता है, कोई बी कॉम करके आता है, कोई आई कॉम करके आता है, कोई सिंपल एफ ए करके आता है, कोई आई सी एस करके आता है, मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड के सारे बच्चे जो होते हैं वो सी ए में आ जाते हैं। अब वो मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड से आते हैं, सबका एक क्या कहते हैं टेस्टिंग लेवल नहीं होता, एक एंट्री लेवल नहीं होता, तो उनकी एजुकेशन लेवल डिफरेंट होती है, उनके बैकग्राउंड, उनके लोकल जो है क्या कहते हैं सिटीज़, उनके क्या कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड से होते हैं, तो इन तमाम बच्चों को एक क्लास में मुख्तलिफ किस्म के कल्चर से आए हुए बच्चों को एक क्लास में पढ़ाना और उनको फिर मेहनत करवाना और उसको सारा कुछ लेके चलना, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बच्चों के लिए भी चैलेंज होते हैं, टीचर के लिए भी चैलेंजेस होते हैं। बच्चे ने पहले एफएससी प्री मेडिकल में मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा होता, वो अचानक से जब आता है इसमें सीए में उसको मैथमेटिक्स का पेपर सामने फेस करना पड़ता है। इंग्लिश है वो हर बच्चे ने पढ़ी होती है, इंग्लिश उसके लिए आसान होती है, बाकी जो पेपर हैं उसके लिए आसान है। आईटी है, आईटी से वो बच्चा कई साल से अच्छी तरह से वाकिफ़ है क्योंकि वो मोबाइल लैपटॉप इस तरह की चीज़ों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुका होता है, तो बाकी पेपर आसान है, बाकी चीज़ें आसान है। ये जो मुश्किल मरला है आई कैप का जो पेपर है क्यू एम का, ये एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसकी बहुत सारी वजूहत में एक ये वजह ये भी है कि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक भी शामिल हैं जो आई कैप फ्यूचर में उस बच्चे से एक्सपेक्ट करता है कि उसको आने चाहिए, फाइनेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी होगी, डेरिवेटिव हो गए, मैट्रिक्स हो गए, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये चीज़ें ऐसी हैं जो फ्यूचर में उसकी फील्ड में भी यूज़ होंगी। कुछ चीज़ें नहीं होती लेकिन ये ज़्यादातर चीज़ें ये यूज़ होती हैं फील्ड में, तो आई कैप उन चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करता है कि ये बच्चे को ये टॉपिक आते हैं कि नहीं आते। बाकी चीज़ों में आई कैप जो है वो थोड़ा सा बच्चे को रूम दे देता है कि चलो ठीक है, अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल तक बच्चे को आता है, एप्लीकेशन लेवल तक नहीं आता कोई मसला नहीं है, लेकिन सी ए के अंदर ये ई एफ सी लेवल में सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर यही है क्योंकि इसने फ्यूचर में अकाउंटिंग में, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन में, मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में यूज़ होना होता है, तो आई कैप जो है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। सबसे ज़्यादा जो इन डेप्थ टेस्टिंग जो है आई कैप की वो इसी पेपर में होती है, और बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, पेपर बहुत टफ है, बच्चे बैकग्राउंड जो आते हैं डिफरेंट से आते हैं, तो इसमें बच्चे इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये मैथमेटिक्स में ये वाला चैप्टर तो मुझे आता है, ये वाला नहीं आता, ये वाला आता है, ये वाला नहीं आता, तो इस वजूहात में से एक वजह ये है कि बच्चे जो हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड होने की वजह से, डिफरेंट स्टडी लेवल होने की वजह से बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। सर जी वैसे तो आपके दो कंसेक्यूटिव मतलब मेरिट सर्टिफिकेट आ गए, तो अब जो है हैट्रिक आपके सर पे, तो उसकी क्या प्लानिंग है? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला मुझे नवाज रहा है, तो बस हम तो अल्लाह ताला के आगे जो है बस सजदा करते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है जी, अल्लाह ताला ने हमें हमारी मेहनत का फल दिया है, तो बस हम अल्लाह ताला से ही करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मेहनतों को हमें जो है इसमें कोई क्या कहते हैं हमारी मेहनतों में मज़ीद हमें मज़ीद मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, हम कहीं सुस्त ना पड़ जाएँ, हमें कहीं पर कोई किसी तरह से कोई कमी कोताही ना रह जाए हमारी मैनेजमेंट में, हमारे एफर्ट में। हम इंशाल्लाह इसी चीज़ को आगे ग्रो करना चाहते हैं, इसी चीज़ को आगे मज़ीद जो है डेवलप करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कहीं किसी तरीके से हम सुस्त पड़ जाएं, बच्चों की ग्रूमिंग में हमारी कहीं से कोई कमी कोताही ना रह जाए, हमें बल्कि अब तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अब हम लोग हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं कि हम ये अगर सर्टिफिकेट अचीव कर सकते हैं तो हम आगे भी कर सकते हैं, तो इसलिए हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम इस चीज़ को मेंटेन रख सकें। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ताकि इस तरह इवेंट्स आपके साथ हम शेयर करते रहें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहे, इंशाल्लाह सर, जज़ाकअल्लाह। आखिर में इन स्टूडेंट से कंबाइन एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मतलब आप लोग इधर मेरिट में ले के आए तो अब इंशाल्लाह कैफ में दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं, इस तरह के माहौल में उसके बारे में क्या कहना? जी इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि आगे भी अचीवमेंट्स हासिल करें, अल्लाह ताला का एहसान है हम पे, और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआएं हैं कि
आगे भी इस जगह पे आना नसीब हो इंशाल्लाह, मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह, दोबारा फिर मिलेंगे इसी जगह पे। जी जिस तरह सर ने बात की है कि अभी हम लोगों से एक्सपेक्टेशन लोगों की और ज़्यादा हो गई हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी कैफ में ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि हम लोग एक दफ़ा फिर यहाँ पे आए इकट्ठे हों, और इंशाल्लाह मज़ीद मेहनत करके कैफ में भी कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा कामयाबी हासिल करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कैफ में भी मेरिट सर्टिफिकेट आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जैसे भी हमने मेहनत की आगे भी हम मेहनत करें और हमें उस मेहनत का फल मिले। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।